तो भाई आज हम जाने वाले हैं दिल्ली के लाल किले में, और यहीं से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, फॉलो भी कर लेना। ये है दिल्ली का चांदनी चौक, और चांदनी चौक होते हुए भी हम लोग सदर बाज़ार से फिर चांदनी चौक से होते हुए फिर हम निकलेंगे लाल किले के बाद में, एकदम डायरेक्ट लाल किले पहुँच जाएँगे। चांदनी चौक जाके ना कितना मस्त फील होता है यार, एकदम गजब ही होता है यार। यहीं पे वो अक्षय कुमार भी रहे थे बचपन में, और यही वो जगह है। और जस्ट हमारे सामने आ चुका है अब लाल किला, और क्या एक्सप्रेशन है यार, क्या मज़े हैं। लाल किले में पहुँच कर जो मज़ा मिलने वाला था ना, उसे सोच के ना बहुत एक्साइटेड थे, बट कोई ना, हम लोग ऐसे ही पैदल जा रहे थे। पैदल जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे फिर ये वाहन से हम जाते ना तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। और वैसे भी इसमें परमिशन नहीं है टैक्सी को आना जाना, तो यहाँ पे रिक्शा चलता है। और जस्ट हमारे सामने लाल किला है, तो गाइस यही है वो लाल किला जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आने के लिए, और जस्ट हमारे सामने आ गया है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, हर इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हर एक प्रदेश से लोग आते हैं, और बाहरी देश के भी लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ ग्रुप वाइज फ़ोटो हो रही है, तो मैं वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि स्टूडेंट हैं ये लोग ना, एक ग्रुप वाइज पिक ले रहे हैं। और यहाँ पे फोटोग्राफरी भी होती है, अगर आप एक फ़ोटो खिंचाते हैं तो उसका 10 रुपये चार्ज पड़ता है, और आपके फ़ोन में वो दे देंगे अच्छी से फ़ोटो खींच के, कैमरे से खींचते हैं, ठीक है। अब हम लोग लाल किले के अंदर करने वाले हैं एंट्री, और जो कि एंट्री फ़ीस इसकी पड़ेगी, आपको टिकट लेना पड़ेगा 50 रुपये का अगर आप हिंदू हो, और अगर मुस्लिम हो तो आपको 80 रुपये चार्ज पड़ेगा। और जस्ट मैं इसके अंदर एंट्री कर चुका हूँ, और यहीं से एंट्री गेट है, फिर ये लोग जा रहे हैं अंदर। और क्या मस्त यार, मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ा एक्सप्रेशन तो अभी आप देख ही चुके हैं, इंडियन फ्लैग जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर यहाँ पे लगा है, जो बहुत ज़्यादा लहराता है क्योंकि इसमें ना तेज़ी से हवा लगती है, वाह। और यहीं प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर स्पीच देते हैं, वही ये जगह है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर स्पीच देते हैं। चलिए और आपको आगे लेके चलते हैं, और यहाँ से हम लोग निकलेंगे अंदर। और अंदर का आपको बता दें कि यहाँ पे ना मार्केट भी लगती है, और तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, अद्भुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि लाल किले से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे लोग खाने पीने की भी व्यवस्था होती है अंदर जाके आप, लेकिन उसका चार्ज पड़ेगा। पहले तो एंट्री के लिए एक आपको टिकट लेना पड़ेगा, और जैसा जैसा आप चाहोगे वैसा वैसा होगा वहाँ पे, लेकिन पैसे खर्च होंगे। बट यहाँ पे भाई लोग खड़े हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, तो बोले थे हाँ सही है ये। यहाँ पे वैसे खाने आपको मिलेंगे जैसे पुराने ज़माने के लोग या राजा महाराजा खाना खाते थे, वही चीज़ें आपको अंदर मिलेंगी। लेकिन बट उसके अंदर ना एंट्री फ़ीस पड़ेगी, फिर अंदर जाने के बाद में आपको खाने का चार्ज पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो वही मैं भाई लोगों से डिस्कस कर रहा था,
यहाँ पे भी ऐसी लोकेशन है जो भी फोटोग्राफी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ना एकदम डिजाइनर्स यहाँ पे बना हुआ है मकान टाइप में, है ना, ये लाल किला एकदम डिजाइन दे रखा है ऐसा कि आप फोटोग्राफी करने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बट मैं और आगे बढ़ता हूँ, और मैंने जाते जाते बोला भंडारा किधर है, तो ये लोग हंसने लग गए और फिर मज़ा आ गया। काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे, हंसते हंसते हुए ये लोग जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला भंडारा किधर है भाई। गाइस यही वो लाल किले का मेन स्थान है जहाँ पे टिकट का कोई भी आपका पैसा नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे उन शहीदों के भी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, उन महान पर्सन के भी फ़ोटो लगे हुए हैं, गांधी जी का भी आर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे फ्री में आपको टिकट मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट जगह होगी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे अद्भुत चीज़ें रखी हुई हैं इस म्यूज़ियम में। थैंक यू एंड